फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनु डॉट अरुप गुरु। आज आगे है आप लोगों के सामने में एक न्यू रेसिपी लेके, तो आप लोगों के लिए भी अच्छे है, हर किसी के लिए अच्छे है। तो चलिए फटाफट बातें ना करके आगे बढ़ते हैं कि कौन सा रेसिपी लेके आया है आपके सामने में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम ये है आलू, ये है करेला, ये है दो गो टमाटर, ये है दो चार लहसुन जिसको अच्छी तरह से इसको छोटा छोटा पीस करके रखी हूँ, और ये है हरी मिर्ची, और नीचे ये देख रहे हो मछली। फर्स्ट टाइम हम गैस को ऑन कर लेते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं अच्छी तरह से ये गर्म होने के लिए। ये कढ़ाई हमारा पूरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल हम डाल दिए हैं, ऑयल जब तक अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए तब तक हम मछली तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए इसी के बीच में हम मछली में मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी इसमें मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर दिए, थोड़ा से मिक्स कर लेते हैं इसी में। मछली अच्छी तरह से इसमें मिला लिए हम, इसमें नमक और हल्दी। उसके बाद देखिए हमारे कढ़ाई में तेल पूरा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ी सी ये नमक डाल देते हैं। ये नमक इसलिए डालते हैं कि मछली फ्राई करने के टाइम में इसमें कढ़ाई में चिपक ना जाए। उसके बाद हम एक एक करके मछली छोड़ दे रहे हैं। देखिए हम लोगों का मछली एक साइड हो गया है, आप लोग देख रहे हो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नमक देने का क्या फ़ायदा होती है, मछली हमारा कितना सुंदर घूम रहा है ना। अब इसको हम पलट देते हैं, एक साइड हो गया है और एक साइड अच्छी तरह से फ्राई करनी है, इसलिए पलट देते हैं। देखिए हमारा मछली फ्राई हो चुका है, ज़्यादा मुझे फ्राई नहीं करनी है, मीडियम में ही है। दोनों साइड ब्राउन कलर हो गया है, अब लोग देख पा रहे हो कैसे हो गया है मछली मरी। देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं हमारा मछली, मछली हम पूरा फ्राई कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो कट करके जो रखी थी हम आलू और ये करेला, तो आलू और करेला को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले हम करेला को फ्राई कर लेते हैं, पहले से इसको कट करके धो के मैं रखी थी, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। करेला फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, मीडियम फ्राई करके रखी हूँ मैं। आप लोग देख रहे हो ये मसाला, इसका नाम है रांधुनी, हम लोग बंगाली में इसको रांधुनी कहते हैं। ये है हमारा तेल, देखिए गरम हो चुका है। अब गरम तेल में इसको हम दे दिए। अब यहाँ पे जो हम लहसुन को रखी थी, लहसुन इसमें डाल दिए। अब
थोड़ी देर में इसको फ्राई करने के बाद ये जो आलू था आलू हम डाल देते हैं इसमें और इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसी में ही हम डाल देते हैं एक चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी, डाल के इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए हम स्टीम को स्लो करके इसको हम ढक देंगे, थोड़ी टाइम के लिए हम ढक देते हैं। अब देखते हैं कि कितना ये पक गया है। दो तीन मिनट के बाद हम आगे तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे दो तीन मिनट के बाद ये तो आधा शायद पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं, इसमें कटा हुआ पहले से दो टमाटर था, ये टमाटर डाल दिए और ये हरी मिर्च। स्टीम थोड़ा तेज कर दिए, इसको हम थोड़ी टाइम पकने के लिए छोड़ देते हैं, 5 मिनट के बाद आते हैं। 5 मिनट के बाद हम आ गए, देखते हैं कि हमारे सब्जी का कंडीशन क्या है। अब देखो ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, थोड़ा बहुत पक चुका है, 80% हो गया है। अब इसमें क्या करूँगी, इसमें हमारा करेला जो अच्छी तरह से जो फ्राई करके रखी थी इसको हम इसी में डाल देते हैं। इसमें हम डाल दिए, देखो आलू भी पक गया है, हमारा टमाटर जो था वो भी गल गया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, इसको हम पानी डाल दिए। हम लोग रस थोड़ा ज़्यादा खाते, मतलब जूस थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए जूस ज़्यादा किए। अब थोड़ी देर के बाद मछली मुझे डालना है, लेकिन जब तक इसका उबल नहीं आ जाता है तब तक इसको फुल स्टीम करके हम छोड़ देते हैं ऐसी। अब देखिए हमारे मछली में सॉरी सब्जी में उबल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किया हुआ मछली। इसको हम अब इसी के ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दिए और डाल देंगे, ये है जीरा पाउडर। जीरा को पहले से भून के उसके बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ था, एक स्पून इसमें मिला देते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं 2-3 मिनट। 2 मिनट ऐसे ही छोड़ा हुआ था। अब देखिए 2 मिनट के बाद इसका कलर देखिए, पूरा इसका जूस जो है पूरा पानी जैसा है। इसमें ना प्याज दिए, ना अदरक दिए, ना और कुछ मसाला दिए हूँ मैं।
नॉर्मल सा एकदम पूरा हल्का हल्का खाना है ये। तो हमारा ये करेला मछली बनके तैयार। अब ये सब्जी को हम निकाल लेते हैं दूसरे सोल में। आप सबने देखा है खाना कैसे बनाया गया है। आप हम आ गए हैं खाने के टेबल में, टेस्ट करके बता रहे हैं आपको कैसे हुआ है। तो हम पहले ये पीस ले रहे हैं। बहुत अच्छा होना है। हर कोई आदमी खा सकता है, घर पे ज्यादा रिच ना खा के ऐसे नॉर्मल खाना बनाइए और खाइए और शरीर को स्वस्थ रखिए। तो चलिए, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा है आप सबको जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो देखते टाइम में लाइक जरूर करना। और आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं न्यू वीडियो में। चलिए आज के लिए यहीं तक। गुड नाइट।